हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरोजेल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम कंप्यूटर से संबंधित जानकारियों के वीडियो लाते हैं, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए आप अपने मित्रों को शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ उनसे ये भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें ताकि जानकारी अगली बार से उनको सीधे मिलती रहे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम विंडो का पासवर्ड या अपने कंप्यूटर का पासवर्ड रिसेट करना सीखेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग जैसे घर में पासवर्ड लगा के रख देते हैं कंप्यूटर पे, और कई दिन यूज़ न किया या गलती से ही ऐसा कुछ हुआ कि हम पासवर्ड भूल जाते हैं, या घर के भाई बहन सीखने के चक्कर में पासवर्ड लगा देते हैं और पासवर्ड उन्हें याद नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशंस में अगर पासवर्ड ना खुला या हमारा सिस्टम ना खुला तो हमको पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम उसकी एक पासवर्ड डिस्क बना के रखेंगे ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए हम पासवर्ड रिसेट कर सकें। तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए कैसे क्या करना है, आइए उसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल को खोलेंगे। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद सबसे नीचे आपको मिलेगा यू, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए। कंट्रोल पैनल ओपन करते ही आपको कई सारे आइकन दिखेंगे सेटिंग से संबंधित। इसमें सबसे नीचे आपको मिलेगा यूज़र अकाउंट्स। यूज़र अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लॉगिन विंडो या लॉगिन से संबंधित डिटेल खुल के आएंगे। यहाँ पे आपको बाएं साइड में क्रिएट ए पासवर्ड रिसेट डिस्क ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक आपको विंडो मिलेगी फॉरगॉटन पासवर्ड विजार्ड की, तो यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे हमको एक पासवर्ड फाइल रिस्टोर करने के लिए सेव करने के लिए पेन ड्राइव या सीडी चाहिए, तो अगर सीडी लगा रखे हैं तो सीडी, या अगर पेन ड्राइव लगा रखे हैं तो पेन ड्राइव, ये यहाँ पर आपको शो होती रहेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल हमारी सेव है तो इसलिए ऐसा मांग रहा है। उसके बाद करंट पासवर्ड की विंडो आएगी। करंट पासवर्ड के लिए जो भी हमारा करंट पासवर्ड होगा वो करंट पासवर्ड हम इसमें टाइप कर देंगे। करंट पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे यस करते जाएंगे। इसके बाद ये प्रोसेस करेगा, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये विंडो हम क्लोज कर देंगे। तो एक फाइल हमारी पेन ड्राइव में सेव हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये पेन ड्राइव हमने खोली तो यहाँ पे ये पासवर्ड की फाइल मिल गई है। तो आपको हम दिखा देते हैं कि पासवर्ड कैसे रिसेट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे, रिस्टार्ट करेंगे पूरे सिस्टम को। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। रिस्टार्ट होने के बाद जैसे हम मेन विंडो पे पड़ेंगे, लॉगिन विंडो पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमको पासवर्ड डालना होगा। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कैसे पासवर्ड रिसेट होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर के लॉगिन विंडो पे पहुँच गए हैं। तो लॉगिन विंडो पे जैसे हम लॉगिन करने के लिए स्पेस या एंटर की प्रेस करते हैं तो पासवर्ड मांगता है। मान लिया कि हम पासवर्ड भूल गए, और पासवर्ड भूलने के बाद इसके हम इंटर पे क्लिक करते हैं तो गलत पासवर्ड होने की वजह से इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा देगा, और इसके नीचे ओके का बटन आएगा। ओके के बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको रिसेट पासवर्ड के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें वही जैसा कि हमने पासवर्ड के क्रिएट करने के टाइम विंडो देखी थी वैसे ही विंडो हमको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जैसे पेन ड्राइव लगी थी वैसे ही हमको पेन ड्राइव भी दिख जाएगी। नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे हमको नया और पुराना पासवर्ड रिसेट करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
पासवर्ड टाइप करने के लिए हमसे बोल रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड टाइप कर देते हैं, फिर उसे कंफर्म करेगा पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म हो गया। यहाँ पे अगर कोई हिंट देना चाहते हैं कि जैसे पासवर्ड को देख के हमको याद आ जाए कि ये पासवर्ड हमने रखा था, तो यहाँ पे हिंट भी हम कोई दे सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। और जैसे ही पासवर्ड रिसेट हो जाता है, यहाँ पे हम नया पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका डेस्कटॉप। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी कंप्यूटर की पासवर्ड डिस्क बना सकते हैं और इसको सुरक्षित रखेंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पासवर्ड डिस्क जो भी फाइल होगी वो खोने ना पाए, या फिर इस हिसाब से फोल्डर अरेंज कर लेंगे किसी अदर सिस्टम पे, पेन ड्राइव पे या कहीं भी ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ से हमको ये पासवर्ड फाइलें आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।